हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपने नोट्स का पेज नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको पेज नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ सिखा देता हूं। रेशियो 75 जीएस के क्वेश्चन को याद करने का एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप बिल्कुल 100% क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा बहुत ही कम मेहनत में। तो आप समझ लीजिए कि रेशियो 75 एक्चुअल में एक टेक्नोलॉजी एक ऐसी क्या है जो साइकोलॉजी रूप से हमारे दिमाग पर ये काम करती है। और ये देखिए, रेशियो 75 का मतलब क्या हुआ, 75% और 25%। ठीक है, 75% और 25% मान लीजिए। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। चलिए ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन और एक हुआ टाइम। टाइम इसके लिए हम जो टाइम देते हैं तैयारी करने के लिए। तो अब देखिए, 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं ईजी क्वेश्चन, पूछते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। और 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं हार्ड टाइप के, थोड़ा सा भारी होता है जिसको कि याद करना मुश्किल होता है। तो अब देखिए, 75% क्वेश्चन आसान होते हैं, 25% क्वेश्चन भारी होते हैं। अब स्टूडेंट को क्या लगता है कि आसान क्वेश्चन तो सब जानता है, हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं चाहिए, इसलिए हम हार्ड क्वेश्चन तैयारी करते हैं। लेकिन अब इसके लिए क्या होता है कि इस हार्ड क्वेश्चन तैयार करने में 75% टाइम चाहिए और 25% टाइम इसमें चाहिए, यानी इस 25% क्वेश्चन के लिए आपको 75% टाइम चाहिए। जबकि इस हार्ड क्वेश्चन बनाइए या फिर आसान क्वेश्चन बनाइए, आपको एग्जामिनेशन में आपको नंबर मिलेगा, दोनों में बिल्कुल सेम मिलेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अब देखिए, स्टूडेंट जो क्या करते हैं वो 75% पूरा टाइम इसमें लगा देते हैं, तब जाके इसकी कवरिंग उसकी 10% हो पाती है। और यहाँ पे वो 25% टाइम ही दे पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका 25% जो तैयारी है, 20 से 25% तैयारी उसका यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि वो क्या होता है, यहाँ पे उसका 50% के आसपास की तैयारी यहाँ पे होती है और इससे वो 10 से 12% तैयारी यहाँ पे कर पाते हैं, यानी 50, 10, 60 नंबर ही वो ला पाते हैं, जिससे उसकी रिजल्ट आने की उम्मीद रहती भी है और नहीं भी रहती है। ठीक है, लेकिन हम आपको जो सिखा रहे हैं वो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करना। अभी तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी जो बहुत जस्ट एग्जाम आने वाली है। तो देखिए, अब कोई भी जीएस का क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, इसको बस आप कैसे याद कीजिए, 75% जो आसान क्वेश्चन है उसको हमको पहले याद करना है। यानी इसमें हमको जो करना है कि 75%, यानी हम अपने टाइम में से 75% जो टाइम है वो 75% क्वेश्चन आसान क्वेश्चन के लिए टाइम लगाएंगे और इसमें हम बहुत कम ही टाइम देंगे। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप यदि 75% में से 75% फुल तैयारी कर लेते हैं तो इसमें से 70% नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा। और यही सब जो क्वेश्चन है वो सब का सब क्वेश्चन हार्ड बना, यानी 4-5 आसान क्वेश्चन मिल करके एक हार्ड क्वेश्चन का निर्माण करता है। थोड़ा सा माइंड लगाइए, थोड़ा सा अपना अलग से ट्रिक लगाइए। तो यानी इसमें से आपको 10% तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो ही जाएगी, यानी 10 से 15%। तो यानी इससे आपको 80 से 85%, 90% तक तैयारी हो पाती है, यानी रेशियो 75 रूल को आप अपनाते हैं तो। यानी कि यही था इस वीडियो में, यानी कि इस रेशियो 75 यही चीज़ है आपको समझाना। तो देखिए, आपको रेशियो 75 का यूज़ कहाँ करना है, तो आपको रेशियो 75 का यूज़ आपको टाइम मैनेजमेंट में और क्वेश्चन को याद करने में हर जगह पे आपको अपनाइएगा रेशियो 75। और ये बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 65-70 पर ही आ जाती है, 65-60 से लेकर 65 पर रिजल्ट आती है। जब आपकी तैयारी 80 से 85% तक होगी तो रिजल्ट आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। तब देखिए, इसको करना क्या है कि हम आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी का पेज नंबर 1, बायोलॉजी का जो पेज नंबर 1 है मेरा नोट्स का, इसमें टोटल बायोलॉजी का 18 पेज है, यानी 18 पेज, यानी 18 एपिसोड में पूरा बायोलॉजी बनेगा। इसमें आपको कम से कम आपको 80% से ऊपर नंबर आएगा बायोलॉजी में से, किसी भी एग्जाम में हो। तो देखिए इसको कैसे कवर करना है। तो देखिए, इसमें आपको 2 तरह क्वेश्चन मिल रहा है। एक तरफ ये थ्योरी तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो किसी भी किसी रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही इसमें है। तो अब देखिए, हमको क्या करना है, इसमें से पूरा पेज हमको याद करना है। इसमें से आपको 75% क्वेश्चन को ही याद करना है। 75% क्वेश्चन याद करते हैं, जो 25% जो भारी क्वेश्चन बच जाता है उसको क्या करते हैं, सबको हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देते हैं या फिर उसमें टिक कर देते, टिक करते करते 10-15 क्वेश्चन आपको उस में टिक हो जाएगी। फिर दोबारा जब हम पढ़ते हैं आगे तो बैक का रिवाइज करने के जो हमको हार्ड क्वेश्चन है उसको हम एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं। तो इस रूप में क्या होता है, जब हम जैसे जब आगे बढ़ते हैं बैक वाला हमको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन याद हुआ, कौन सा क्वेश्चन नहीं याद हुआ, और एक बार इस रूप में हम धीरे धीरे करके 100% कवर कर पाते हैं रेशियो 75 का यूज करके। तो आप ऐसा कीजिएगा, पेज नंबर 1 बायोलॉजी नोट्स का। यदि आप लोगों ने अब तक मेरा नोट्स को नहीं मंगवाया है, चाहे वीडियो कोचिंग ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, तो वीडियो कोचिंग प्लस नोट्स आपके पास होनी चाहिए। और नोट्स मंगवाने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का डीपी चेक कर सकते हैं। ये इस नोट्स में एलपी नोट्स का पड़ता है 2200 और ग्रुप डी नोट्स का पड़ता है 1200। तो ठीक है, देखिए इसमें आपको इस नोट्स को आपको कैसे हमको याद करवाना है। तो पहले तो हम देखिए कि आपको याद करने का एक चीज़ एक तरीका ये भी कि यानी कि एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं। तो अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि हमको इसको याद करना है। याद कर हम आपको एक टॉपिक हम जहाँ तक जानते हैं वहाँ तक आपको हम बता देते हैं। और देखते हैं इसको हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। और ये तरीका हमने क्या है, जैसे कि सबसे पहले कि बायोलॉजी यानी कि इसमें आपको जीव विज्ञान संबंधित पढ़ना है। जीव विज्ञान आपको तीन भाग में इसको बांट सकते हैं, एक ह्यूमन से रिलेटेड, एक ऑल जीव जंतु से रिलेटेड, एक पेड़ पौधा से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सजीवों का अध्ययन करने की शाखा को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी में BIO, बायो का अर्थ होता है जीव यानी जीवन यानी लाइफ, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस का था। लैमार्क कहाँ का था? फ्रांस का। ट्रेविडेनस जर्मनी का था, वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। यानी जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था 1801 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो यूनान के थे, और इसको यानी कि सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, जिसको कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो सबसे पहला चैप्टर आपको वनस्पति विज्ञान से संबंधित पढ़ना है। वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधा संबंधित, यानी जो जीव यानी प्रकाश का यूज करते हैं सांस लेने के लिए यानी खाना बनाने के लिए। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उसके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु और थियोफ्रेस्टस को जीव यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। एंगलर ने 1883 में वनस्पति जगत को दो भाग में डिवाइड किया था, यानी पुष्पोद्भिद। तो वो इस रूप में है, आपके पास मेरा नोट्स हुआ तो इसको याद कर लीजिएगा। तो बस थोड़ा सा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगा हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन जब इसमें दिया हो तो एक बार इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अपुष्पोद्भिद पौधा यानी कि जो पौधा में फूल नहीं होता है, अपुष्पोद्भिद पौधा यानी कि क्राइप्टोजेमस। इसे इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है, इसे निम्न समूह बांटा गया: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब देखिए सबको सिर्फ सुन लीजिए एक बार। थैलोफाइटा क्या होता है? यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ये एक जीके क्वेश्चन बना, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा। इस जगत के पौधों का शरीर सूखा या थैलस का होता है। जैसे कि पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते, इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता। एक होता है ब्रायोफाइटा, यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 प्रजातियाँ हैं। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोइम का अभाव होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। जाइलम से समझिए कि जाइलम पर यानी पौधों में एक ऐसा भाग जहाँ से जल और खनिज लवण धरती से पूरा पौधे के पत्तियों तक जाता है, और फ्लोएम एक ऐसा उत्तक होता है जो कि पत्तियों से बने हुए खाना यानी कि कार्बोहाइड्रेट को पौधे के एक एक पार्ट तक पहुँचाता है। जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम हम इसको याद किए हैं, जाइलम और फाइलम याद किए हैं, जो कि ब्रायोफाइटा में और थैलोफाइटा में दोनों में से किसी में भी नहीं होता है। उसको देखिए स्फेगनस मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनस मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। मॉस यानी कि बिल्कुल छोटा छोटा, जैसे कि दीवारों पे जो जो हरा हरा कलर का निकल जाता है, वही उसी टाइप का पौधा होता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगल, पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभेदित हो जाता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है, बीजाणु मतलब बीज के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन उत्तक पूर्णतः विकसित होते हैं। संवहन उत्तक मतलब कि जो खाना को इधर से उधर, पानी खनिज लवण को इधर से उधर ले जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं इसमें। परंतु जाइलम में वेसेल नहीं होता है, फ्लोएम में सहकोशिकाएँ नहीं होती है। ओके, तो इसमें टेरिडोफाइटा देखिए दो प्रकार के होते हैं, पुष्पोद्भिद नहीं, ये देखिए एक हुआ अपुष्पोद्भिद पौधा, यानी कि वैसा पौधा जिसमें कि फूल नहीं होता, जो कि तीन भाग में बांट सकते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एक होता है पुष्पोद्भिद पौधा जिसमें फूल होते हैं, जिसको दो भाग बांट सकते हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी, जिसमें कि बीज डायरेक्ट रूप से निकलता है। जैसे देखिए पुष्पोद्भिद पौधा या फूल वाला पौधा, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी, इसके पौधे वृक्ष, झाड़ी, आरोही रूप में होते हैं। जैसे काष्ठीय पौधा बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इसकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि नग्नबीजी पौधा के अंतर्गत, यानी जो हम लोग नॉर्मली पेड़ पौधे जो बड़े मोटे मोटे देखते हैं, जंगली पेड़, वो सब आते हैं। जैसे कि सिकोया का पेड़ जो सबसे ऊँचा पेड़ है, वो इसी जगत में आता है। अब देखिए, अब आपको यानी इसका थ्योरी रहा, इसका थ्योरी कुछ पार्ट ये पार्ट 2 एपिसोड 2 में आएगी। अब देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है सबका सब आप बता रहे हैं। ये इधर इस साइड वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 100% क्वेश्चन याद करना जरूरी है। देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क ने किया था 1801 में। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जानते हैं? बॉटनी। वनस्पति जीवन को बॉटनी और जंतु जीवन को जूलॉजी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों से संबंधित शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक का। कवक का माइकोलॉजी। उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वो होता है उत्तक का। उत्तक किससे मिलकर बनते होते हैं? तो वो होते हैं सेल से बने होते हैं, यानी कि कोशिका से मिलकर बनते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन कराता है किस रूप में जाना जाता है? विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण मिलते हैं, इसी को कहते हैं अनुवांशिक गुण और इसकी अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहते हैं? जननिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण देखिए, नदियों तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शैवाल यानी एल्गी। कौन जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? ये होता है शैवाल। एगार किसका प्रयोग प्रायः एक संश्लेषित अभिवर्धक माध्यम तथा बेकरी में किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? देखिए एगार एक टाइप का एक केमिकल टाइप का होता है जो कि जिंदा केमिकल बोल सकते, जो बायोलॉजिकल जिंदा केमिकल होता है जिसका प्रयोग बेकरी में होता है। बेकरी मतलब क्या कि बेकरी जहाँ पे वो डबल रोटी बनती है, बिस्किट बनती है, केक बनती है, उसको होते बेकरी। तो वहाँ पे यूज किसका होता है? वही शैवाल का यूज होता है। भूमि के अपभार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? कवक होता है। भूमि के अपभार्जन यानी कि भूमि को उपजाऊ बनाने में कवक का योगदान होता है। कौन सा अपना आहार खुद नहीं बनाता है? फफूंद यानी कि कवक। फफूंद यानी कवक जो अपना आहार यानी अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। शैवाल जो कि हरा होता है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो बनाता है। तो अब देखिए कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से, यानी वैसे जीव जिसको कि मर रहा है उससे कवक यानी फंगस को वहाँ से मिलती है खाना। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला कवक यानी छत्रक मशरूम क्या है? एक तरह का कवक है, फफूंद है। कवक से प्राप्त उपयोगी पदार्थ उत्पाद क्या है? पेनिसिलिन। कवक से उपयोगी पदार्थ क्या है? पेनिसिलिन। कवक से वैसे आजकल बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, पेनिसिलिन जिसमें से कि एक है। ईस्ट यानी खमीर में जनन डैश के माध्यम से होता है तो कली निकलने पर होता है। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधे में आते हैं? शैवाल और कवक में। जीवित और गैर जीवित के बीच अवयवी है विषाणु, यानी विषाणु को यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। विषाणु यानी कि वायरस। वायरस जो है वो निर्जीव पदार्थों के साथ निर्जीव जैसा व्यवहार करता है और सजीव पदार्थों यानी सजीव जीवों के साथ सजीव जैसा व्यवहार करता है, इसलिए वायरस को कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए किस सूक्ष्मजीव जीव से एड्स होता है? एड्स किससे होता है? ये होता है वायरस से। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था, जो कहाँ का था? ब्रिटेन का था शायद। प्लास्मिड क्या है? जीवाणु में उपस्थित डीएनए को कहते हैं। हार्मोन्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं किसमें? जीवाणु में हार्मोन्स नहीं होते हैं। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरिलिस। स्पाइरिलिस कहते हैं किसको? सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहते हैं एक्ट्रिस कहते हैं। दूध के खट्टा होने के कारण क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु यानी कि इसको क्या होता है? लैक्टो भूल गए, एक्चुअली हमको पढ़ा है वो बहुत दिन हो गया। क्या है विषाणु का नाम? ठीक है बताएंगे बाद में। लैक्टोबैसिलस, हाँ लैक्टोबैसिलस। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजैविक। वायु में नाइट्रोजन को नियत करने की योग्यता धारण करने वाले जीवाणु क्या है? राइजोबियम। अब देखिए यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को बनाए रखने में क्या है? तो राइजोबियम, जो कि फलीदार पौधों के यानी दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम। तो यानी यही था एपिसोड 1 में, और यह एक डेमो वीडियो के रूप में था, यूट्यूब पे आएगी। और यूट्यूब पे आए तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो। और थैंक यू सो मच। यदि आप लोग करना चाहते हैं मेरे वीडियो कोचिंग को तो अभी जो भी इसमें ऐड आ रहा है तो इसमें जैसा प्रोसेस दिखा हुआ है इस प्रोसेस कीजिएगा, आपको वीडियो कोचिंग मिल जाएगी। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, या फिर हमको मिस कॉल कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप हमको प्लीज़ इस वीडियो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके देखिए। और देखिए रेशियो 75 टेक्निक आपको कैसा लगा। रेशियो 75 एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, आपको पता चल गई होगी, और ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत जल्द हो जाएगी। और आपको देखिए कि ये जो एपिसोड ये टोटल 18 पेज का है, इसी 18 पेज में से आपको 80% ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसको बस एक बार याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यानी कि देखिए सिलेबस को सीमित किए हुए, तो इस सीमित सिलेबस को आप याद कीजिए और बस टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगी तैयारी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।